नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मैं हूं आपका मित्र अभिषेक शर्मा। दोस्तों, पुनः प्रस्तुत हूं आपके समक्ष एक नई वीडियो लेके, जो कि कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी में आपकी सहायता करेगी। कौन बनेगा करोड़पति का 14वां सीजन, जो कि 2022 में आने वाला है, अब से लगभग 1 से 2 महीने में, तो उसकी तैयारी के लिए आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। इसमें एक ही वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन हैं, जो कि 55 क्वेश्चंस हैं टोटल, 55 क्वेश्चन हैं भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान तीनों के। तो सबसे पहले जो चैनल पर नए हैं उनका मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, स्वागत, अभिनंदन, आभार। चैनल पर आपका स्वागत है, आपका अपना चैनल है। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा और उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ पहले, कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आपका मुझे अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है। और जो वीडियो देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूँ। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जैसे आपने इतने चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं पहले से, एक चैनल मेरा भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, तो जो है मुझे आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है और उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, कि वीडियो में आपसे प्रतिदिन एक वीडियो देने का मैंने वादा किया था पर ऐसा हो नहीं पाया, और ये वीडियो भी लगभग 5-6 दिन बाद आ रही है। तो उसमें दोस्तों विलंब इसलिए हुआ क्योंकि इसके बाद जनरल नॉलेज का जो वीडियो है ये 6-7 दिन बाद आ रहा है। बीच में मैंने और 2-3 वीडियो अपलोड करे थे, जनरल नॉलेज का नहीं ला पाया था क्योंकि उसको बनाने में भी समय लगा था। और जो है मित्रों, अगर मैं कॉपी पेस्ट करके वीडियो बनाने लगूं तो एक दिन में मैं एक नहीं अनेक वीडियो बना सकता हूं, अर्थात एक दिन में मैं एक नहीं कई कई वीडियो बना सकता हूं। पर मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना है। पिछले कुछ वीडियो में मैंने जो है किया था ऐसा, तो उसमें क्या है, अभी KBC का जो नए 2 ट्रेलर आए हैं अगर आपने देखे हों तो उसमें बच्चन सर भी कह रहे हैं, और दोनों कंटेस्टेंट जो हैं इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उनका जो है उत्तर गलत हो जाता है। उन्होंने जो है नेट पे, जैसे हमारे पास आते रहते हैं प्रश्न, आते हैं उत्तर आते हैं, या कोई भी जो है खबर आती है तो हम उसको पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, याद कर लेते हैं, पर उसकी ये जाँच पड़ताल नहीं करते कि ये सही है या गलत। तो उस चक्कर में जो है हमारा दोनों उत्तर देते हैं और दोनों का गलत हो जाता है। तो इस चीज़ में अमिताभ बच्चन भी बोलते हैं कि ज्ञान जहाँ से मिले बटोर लें पर पहले खुद को टटोल लें, और उस उत्तर को भी कि वो सही है या गलत। तो अगर मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करके वीडियो बनाऊं तो उससे क्या होगा, वीडियो तो मैं आपको रोज़ दे दूंगा पर अगर उसमें उत्तर गलत हो गया, और मैं आपकी मेन जो है KBC की तैयारी के लिए बना रहा हूं, और मेरा जो वीडियो में से कोई क्वेश्चन आया और उसका उत्तर है गलत और वहाँ पर आप हार गए, तो उसका दोष मेरे ऊपर आएगा ना। तो मैं नहीं चाहता मेरे कारण आपकी कोई भी हानि हो या नुकसान हो, तो इसलिए मैं भले ही आपको कम वीडियो दूंगा, प्रयत्न करूंगा प्रतिदिन एक वीडियो लाने का, पर मैं आपको कम वीडियो दूंगा पर क्वालिटी वीडियो दूंगा। और ये वीडियो जो है बनाने में मुझे लगभग 4 से 5 दिन लग गए हैं क्योंकि इसका पहले मैंने मैटर लिया, उसका फिर हर क्वेश्चन का जो आंसर है उसको मैंने खुद जाके जो है गूगल पे कई कई बार, लगभग हर प्रश्न के उत्तर को मैंने 4 से 5 बार जो है वेरीफाई किया है, रीचेक किया है, टैली किया है कि ठीक है या नहीं। बहुत सो के उत्तर जो है गलत भी थे, तो अगर मैं कॉपी पेस्ट कर देता तो उत्तर आपका गलत हो जाता। और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको भी इससे लाभ प्राप्त होगा क्योंकि KBC भी जनरल नॉलेज का गेम है और एग्ज़ाम में भी जनरल नॉलेज आती है। तो मैं नहीं चाहता मेरे कारण आपकी कभी भी कोई भी हानि हो, मैं आपको जो है क्वालिटी मटेरियल देना चाहता हूँ। और पूरा वीडियो आप ये देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इस वीडियो में मैंने कितनी मेहनत करी है। एक एक दिन में मैंने कुछ कुछ घंटे दिए हैं, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनके उत्तर ढूंढने में मुझे एक ही उत्तर ढूंढने में कई घंटे लग गए। तो ये इसलिए वीडियो बनने में समय लग गया, लगभग 4 से 5 दिन लगे मुझे ये पूरा वीडियो बनाने में, उसके उत्तर ढूंढने में, फिर उसकी एडिटिंग करी है, एडिटिंग में बहुत टाइम गया है। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा,
बहुत मैंने परिश्रम से बनाया, और बाद में वीडियो जब पूरा होगा तो आपको खुद लगेगा कि हाँ मैंने वीडियो जो है इसमें समय दिया अपना, परिश्रम किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत समय बाद वीडियो लाया इसलिए आपको बात बतानी थी। और वीडियो जो है मित्रों लंबी होगी क्योंकि बचपन पैशन है, तो इसलिए। तो चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है आज का, सबसे हल्की धातु है तो कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है। ये वीडियो मित्रों मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया है क्योंकि कुछ को हिंदी में सुविधा रहती है, कुछ को इंग्लिश में, कुछ दोनों में पढ़ लेते हैं, इसलिए मैंने एक ही वीडियो दोनों में बनाया है। द लाइटेस्ट मेटल इज लिथियम। ये ऐसा होता है लिथियम देखने में दोस्तों, इसको जो है पीरियोडिक टेबल, जिसको आवर्त सारणी बोलते हैं, उसमें इसको Li से जो है दिखाया जाता है, और तीसरी पोजीशन पे यानी कि थर्ड नंबर पर ये होता है। मैंने वीडियो हिंदी में भी बनाया है, इंग्लिश में भी बनाया है, और जिनकी मैं इमेज ला सकता था उनकी मैंने इमेज भी वीडियो में डाली है। दूसरा प्रश्न, सबसे भारी धातु है तो कौन सी है? ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। द हैवीएस्ट मेटल इज ओस्मियम। ये ओस्मियम ऐसी होती है मित्रों देखने में, कुछ कुछ ये ऐसी लग रही है हीरे जैसी। तीसरा प्रश्न, सबसे कठोर धातु है तो कौन सी है? टंगस्टन। सबसे कठोर धातु टंगस्टन है। इन इंग्लिश द हार्डेस्ट मेटल इज टंगस्टन। ये ऐसी होती है देखने में, और इसको आवर्त सारणी में W से दिखाया जाता है, और 74वीं यानी कि 74th पोजीशन पर ये होता है। 4th प्रश्न, सबसे कठोर पदार्थ है कौन सा है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। हार्डेस्ट मटेरियल इज डायमंड। डायमंड आपने देखा होगा बहुत सुंदर सा होता है, वो फिनिशिंग के बाद बनाया जाता है, पर जब ये कोयले की खान में से निकलता है तो ये इस तरीके से होता है, चमकीले पत्थर जैसे आपको ये दिख रहे हैं स्क्रीन पर। 5वां प्रश्न, सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। द बेस्ट कोल इज एंथ्रासाइट। ये एंथ्रासाइट ऐसा होता है देखने में मित्रों, कोयले जैसे ही है पर ये चमक भी रहा है। 6वां प्रश्न, जल का शुद्ध रूप है तो कौन सा है? वर्षा का जल। यानी कि जल का सबसे शुद्ध रूप जो होता है वो वर्षा का जल होता है। इन इंग्लिश प्योर फॉर्म ऑफ वाटर इज रेन वाटर। 7वां प्रश्न, मार्श गैस कहलाता है तो कौन कहलाता है? मीथेन। मीथेन जो है वो मार्श गैस कहलाता है। इन इंग्लिश मार्श गैस इज कॉल्ड मीथेन। ये इसका जो है इमेज है, ये जो आपको बीच में रेड से दिख रहा है, तो ये जो है कार्बन है, लाल रंग का जो गोला है, और चार ये जो आपको नीले रंग के से जुड़े हुए गोले दिख रहे हैं राउंड राउंड, तो ये जो है हाइड्रोजन है। तो इसमें मीथेन गैस में एक कार्बन का पार्टिकल होता है, अणु होता है, और चार जो है उससे हाइड्रोजन के जुड़े होते हैं, तो इसको जो है शायद CH4 भी बोलते हैं मीथेन को। 8वां प्रश्न, नोबेल गैस कहलाती हैं तो कहीं कहीं इसको आप देखेंगे तो इसका आपको एक ही उत्तर मिलेगा, जो इतनी सारी गैसें हैं उसमें से कोई एक गैस मिलेगी
या दो होंगी या तीन होंगी या चार होंगी, कहीं कहीं आपको छः मिलेंगी, पर ये टोटल जो है सात होती है। इस पे भी मैंने बहुत रिसर्च करी है, तो ये आगे आप देखिए कि नोबेल गैस कौन सी कहलाती हैं। तो उसमें आती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडियोधर्मी रेडॉन। रेडियोधर्मी रेडॉन जो है मित्रों, ये प्राकृतिक रूप से होती है इसमें, मतलब नेचुरली। और एक होती है इसमें ऑग्नेशन, ये जो है ये सिंथेटिक रूप से उत्पादित की जाती है, यानी कि केमिकली जो है इसको उत्पादित किया जाता है, बनाया जाता है केमिकली रूप से, मतलब ये नेचुरली नहीं होती है, इसको लैब में प्रोसेस करके बनाया जाता है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, नोबेल गैस जो होती हैं वो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडियोधर्मी रेडॉन, ये जो है प्राकृतिक रूप से होती है, और ऑग्नेशन, ये सिंथेटिक रूप से उत्पादित की जाती है, अर्थात बनाई जाती है। इन इंग्लिश नाउ, नोबेल गैसेस आर कॉल्ड हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, द रेडियो एक्टिव रेडॉन, इट्स नेचुरल एंड ऑग्नेशन। ऑग्नेशन इज सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड। ये पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी में ऐसे होती हैं, और ये इनका जो है किस पोजीशन पर होती है वो है, हीलियम जो है वो HE से दर्शाई जाती है, दूसरे नंबर पर होती है, नियॉन NE से, दस हीलियम दूसरे नंबर पर, नियॉन NE से दर्शाई जाती है 10वें नंबर पर, आर्गन AR से 18th पोजीशन यानी कि 18वें नंबर पर, क्रिप्टन KR से 36वें नंबर पर यानी कि 36th पोजीशन, ज़ेनॉन XE से 54 पोजीशन यानी कि 54, RN रेडॉन से, रेडॉन जो है वो RN से, और 86 यानी कि 86 पोजीशन पर होती है पीरियोडिक टेबल अर्थात आवर्त सारणी में। मोस्टली जो होती है ये छह ही होती हैं, पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर ये प्रश्न भी आ जाए कि और इसके अलावा कौन सी होती हैं, तो उसमें ये भी होती हैं, रेडियोधर्मी रेडॉन जो है नेचुरली अर्थात प्राकृतिक, और ऑग्नेशन जो कि लैब में सिंथेटिक रूप से उत्पादित की जाती है अर्थात बनाई जाती है। द रेडियो एक्टिव रेडॉन डेट इज़ नेचुरल एंड ऑर्गेनिज्म डेट इज सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड। 9th क्वेश्चन, विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से, विद्युत धारा किससे नापी जाती है अमीटर से। नाउ इन इंग्लिश, इलेक्ट्रिक करंट इज मीजर्ड बाई अमीटर। ये ऐसा होता है मित्रों अमीटर देखने में, हो सकता है आपने देखा भी हो कभी, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो काम करते हैं टीवी रिपेयरिंग का, उनके पास कुछ ऐसा ही होता है। 10वां प्रश्न, पारा का प्रमुख अयस्क है तो कौन सा है, सिनेबार। पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार है। इन इंग्लिश, द मेन ओर ऑफ मर्क्यूरी इज सिनेबार, द मेन ओर ऑफ मर्क्यूरी इज सिनेबार। ये ऐसा होता है देखने में दोस्तों, सिनेबार साइड में ये पिंकिश है, लाल से रंग का है, गुलाबी रंग लिया हुआ, और साइड साइड में इस पे कहीं कहीं सिल्वर है। 11वां प्रश्न, टेलीविज़न का आविष्कार किया किसने किया। इसमें आपको, इस प्रश्न में भी आपको कहीं कहीं एक ही उत्तर मिलेगा, पर इन सब ने किया है और इन सब का योगदान था। तो आपके पास ये प्रश्न आता है तो ये सारे नाम आपको ध्यान होने चाहिए। मान लीजिए आपने एक नाम याद किया और कोई नाम आ गया तो वो आपको पता ही नहीं होगा, तो इन सब का भी योगदान था, इसलिए आपको ये सब नाम मालूम होने चाहिए कि इन्होंने भी आविष्कार में अपना योगदान किया है। क्योंकि KBC का जो गेम है, कई बार उसमें आपने देखा होगा जो बड़े क्वेश्चन होते हैं
तो उसमें क्या करते हैं वो, जैसे मान लीजिए उन्होंने हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कहीं से भी कोई भी प्रश्न ले लिया, पूरा एक मान लीजिए पेज का है, उस पेज में से उनने एक लाइन ले ली, एक लाइन ले ली। अब वो पूरा आपने पेज पढ़ा तभी तो आपका उसका उत्तर पता होगा। अब मान लीजिए उस पेज में से किसी ने 2, 4, 5 क्वेश्चन बता दिए तो वो आपको पता ही नहीं होगा, वो तो चांस की बात है। तो आपको सब पता होना चाहिए डिटेल में कि मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर 46 से और ऊपर के अमाउंट में आ गया है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए इसका उत्तर, क्योंकि जो है 3:20 के बाद जब 6:40, 12:50 आते हैं तो क्वेश्चन जो है बहुत टफ हो जाते हैं। तो इसलिए जिस क्वेश्चन में कई आंसर थे तो मैंने आपको सारा बताया है डिटेल में, अभी आगे और भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो टेलीविज़न के आविष्कारक हैं फिलो फॉन्सवर्थ, जॉन लोगी बेयर्ड और चार्ल्स फ्रांसिस जेनकिंस। कौन कौन है टेलीविज़न के आविष्कारक? फिलो फॉन्सवर्थ, जॉन लोगी बेयर्ड और चार्ल्स फ्रांसिस जेनकिंस। नाउ इन इंग्लिश, इन्वेंटेड टेलीविज़न। तो फिलो फॉन्सवर्थ, जॉन लोगी बेयर्ड एंड चार्ल्स फ्रांसिस जेनकिंस। 12वां प्रश्न, रडार का आविष्कार किया किसने किया? तो हेनरिक हर्ट्ज़, सर रॉबर्ट वॉटसन वॉट। अब मित्रों इस प्रश्न में भी एक बात है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कहीं मिलेगा तो उसमें सिर्फ ये लिखा होगा कि जो दूसरे नंबर पर है सर रॉबर्ट वॉटसन वॉट, है ना, कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कि टेलर और यंग ने किया। तो इस प्रश्न पे भी मैंने बहुत रिसर्च करी है और पूरे रिसर्च के बाद जो मैंने उसका जो निचोड़ निकाला है वो ये है कि जो इसका आविष्कार किया था वो हेनरिक हर्ट्ज़ ने किया था। किसने? हेनरिक हर्ट्ज़ ने। और सर रॉबर्ट वॉटसन वॉट जो हैं इन्होंने प्रथम प्रायोगिक रडार बनाया था, मतलब जिसको प्रयोग कर सकें, तो वो सर रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने बनाया था प्रथम प्रायोगिक रडार जिसका प्रयोग किया गया। और टेलर और यंग जो हैं, टेलर एंड यंग जो हैं, तो वो इसमें शोधकर्ता थे, यानी कि इन्होंने शोध किया, उस पर रिसर्च किया। नाउ इन इंग्लिश, इन्वेंटेड रडार। तो दीज आर हेनरिक हर्ट्ज़, सर रॉबर्ट वॉटसन वॉट, फर्स्ट प्रैक्टिकल रडार मेड बाई सर रॉबर्ट वॉटसन वॉट एंड टेलर एंड यंग आर रिसर्चर्स। टेलर एंड यंग आर रिसर्चर्स। 13वां प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? ये तो बहुत छोटे से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये की न्यूटन ने, गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की। इन इंग्लिश, हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? तो इट्स न्यूटन। ये है न्यूटन। कई बार इमेज क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो जिनकी इमेज लाना पॉसिबल था तो उनकी मैं इमेज भी लाया हूँ जिससे आपको और जो है अच्छे से नॉलेज मिल जाए। तो ये न्यूटन ऐसे देखते थे, दिखने में ये बहुत लग रहे हैं यंग एज के, पर बाल देखो आप इनके सफ़ेद दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है एसिटिक अम्ल। सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल होता है। इन इंग्लिश नाउ, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर एंड पिकल? तो इट्स एसिटिक एसिड। 15वां क्वेश्चन, नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू और नारंगी में सिट्रिक अम्ल होता है। इन इंग्लिश, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन एंड ऑरेंज? तो इट्स सिट्रिक एसिड। 16वां प्रश्न,
दूध खट्टा होता है, तो कैसे होता है? उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण, दूध जो है उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। इन इंग्लिश, मिल्क इज़ सोर ड्यू टू द लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन इट। 17वां प्रश्न, मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही होती है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट होती है। मतदाताओं के हाथ में लगाने वाली स्याही सिल्वर नाइट्रेट होती है। आपने वोट डाला होगा तो उसमें जो है सीधे हाथ की उंगली पर लगाते हैं, अंगूठे के पास वाली, तो नीले रंग की जो होती है तो वो जो है सिल्वर नाइट्रेट होती है। इन इंग्लिश, द इंक टू बी अप्लाइड इन द हैंड्स ऑफ वोटर्स इज सिल्वर नाइट्रेट। ये देखने में ऐसी होती है, ये आपको चीनी जैसी लग रही होगी, वो जो है लिक्विड फॉर्म में होती है। 18वां प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। इन इंग्लिश, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। 9वां प्रश्न, प्याज व लहसुन में गंध होता है, उसमें उपस्थित सल्फर के कारण। तो प्याज और लहसुन में गंध क्यों होता है, किस कारण से होता है? तो वो उसमें सल्फर उपस्थित होता है, इस कारण से होता है। इन इंग्लिश, अनियंस एंड गार्लिक हैव एन ओडोर ड्यू टू द सल्फर प्रेजेंट इन देम। ये ऐसा होता है सल्फर, देखो ये ऐसा लग रहा होगा जैसे बूंदी का लड्डू किसी ने दबा दिया हो। दिवाली पे इस पे जो है बच्चे इसको गंधक पोटास बोलते हैं, तो इससे जो है बम भी फोड़ते हैं, लोहे की चाबी टाइप की आती है बड़ी सी उसमें भर के। 20वां प्रश्न, इस प्रश्न पे भी दोस्तों बहुत रिसर्च करी है तो इसलिए इसका जो है डिटेल में मैंने आपको उत्तर दिया है। एक्स के किरणों की खोज की तो किसने की? विलहेम कॉन्राड रोएंटेजेन। अधिकतर आपने कहीं जो और एजुकेशनल वीडियोस देखे होंगे दूसरे चैनल पर या जहाँ भी आप पढ़ते हैं, तो वहाँ आपने देखा होगा जो मैंने अभी आपको पहले नाम बताया ये हैं, अभी आगे भी आएंगे तो आपको शॉर्ट वाला नाम मिलेगा। मैंने जो भी ये नाम आपको दिए हैं वैज्ञानिकों के, तो प्रयत्न किया है, कोशिश की है कि जो उनके पूरे नाम है वो आपको दूं, कि आपको जानकारी होनी चाहिए, भले ही आपसे छोटा नाम पूछा जाए या बड़ा आए, पर आपको जानकारी जो है पूर्ण होनी चाहिए, अर्थात पूरी होनी चाहिए, भले ही वहाँ पर छोटे में पूछा जाए। तो एक्स किरणों की खोज विलहेम कॉन्राड रोएंटेजेन ने की। इसके बारे में डिटेल ये है कि 1869 में इन्होंने ये चीज़ पाई कि एक्स किरणें होती हैं, इनकी जो इन्होंने रिसर्च करी उसमें ऐसा पाया। 1875 में इन्होंने आविष्कार कर दिया एक्स किरणों का, और 1895 में इसको पूरी तरीके से इनने खोज लिया और उसको जो है पब्लिश किया, प्रकाशित किया न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, कि एक्स किरणें होती हैं। एक्स किरणों की खोज विलहेम कॉन्राड रोएंटेजेन ने की। सबसे पहले 1869 में इन्होंने पाया कि एक्स किरणें होती हैं, 1875 में और रिसर्च करके उसका आविष्कार कर दिया, यानी कि उसको प्राप्त कर लिया, और 1895 में पूर्ण रूप से इसको बना के इसको प्रकाशित कर दिया न्यूज़पेपर और मैगजीन में। इन इंग्लिश, एक्स रेज वर डिस्कवर्ड बाई विलहेम कॉन्राड रोएंटेजेन 1869, ऑब्जर्व्ड इन 1875, इन्वेंटेड एंड 1895 डिस्कवर्ड और पब्लिश्ड। वंस अगेन, इन 1869, ऑब्जर्व्ड इन 1875, इन्वेंटेड एंड इन 1895
डिस्कवर्ड और पब्लिश्ड। ये हैं दोस्तों विलेम कॉनराड रोएंटजेन। ये स्मार्ट से लग रहे हैं ये दाढ़ी मूछे में। 21वां प्रश्न, स्कूटर के आविष्कारक। तो ये थे ग्रानविले ईस्टवुड ब्रैडशॉ। ये भी मैं पूरा नाम आपको दिया है, इनको ब्रैडशॉ या ब्राडशॉ भी बोलेंगे हिंदी में। कब किया था इन्होंने आविष्कार? 1919 में। स्कूटर के आविष्कारक ग्रानविले ईस्टवुड ब्रैडशॉ या ब्राडशॉ थे जिन्होंने 1919 में आविष्कार किया था। इसका उत्तर आपको कई जगह जो है अलग अलग मिलेगा, तो उस सब की मैंने डिटेल में आपको जानकारी दी है। वो ये है कि वयस्कों के लिए पहला मोटर चालित स्कूटर जो है वो ऑटोपेड नाम था उसका, ऑटोपेड, जो कि 1913 में विकसित किया गया था। अब यहाँ देखिए 1919 से ऊपर जो कि ब्राडशॉ ने बनाया है, और उससे पहले ये विकसित हो चुका था जो कि मोटर से चलने वाला था और एडल्ट्स के लिए अर्थात वयस्कों के लिए था। और आविष्कारक आर्थर ह्यूगो जो ये ऊपर थे ब्राडशॉ, इन्होंने 1919 में बनाया है, उससे पहले ही आर्थर ह्यूगो सेसिल गिब्सन, ये पूरा नाम है इनका। कहीं कहीं आपको अधिकतर जगह जो है आर्थर गिब्सन ही लिखा मिलेगा। तो आर्थर ह्यूगो सेसिल गिब्सन ने 1913 में ही बना दिया था और 1916 में इसको पेटेंट कराया गया था। एक बार फिर से बताता हूँ आपको, स्कूटर के आविष्कारक जो हैं वो ग्रानविले ईस्टवुड ब्राडशॉ हैं जिन्होंने 1919 में बनाया, जो कि सब जानते हैं। और डिटेल उसकी ये है कि वयस्कों के लिए पहला मोटर चालित स्कूटर, यानी कि जो मोटर से चलता था रोड पे, वो ऑटोपेड था, उसका नाम है ऑटोपेड, जो कि इन्होंने 1913 में विकसित किया। और आविष्कारक थे ये, इनका नाम है आर्थर ह्यूगो सेसिल गिब्सन, और 1916 में इन्होंने इसको पेटेंट कराया था। नाउ इन इंग्लिश, इन्वेंटर ऑफ स्कूटर, ग्रानविले ईस्टवुड ब्राडशॉ और ब्रैडशॉ, 1919। द फर्स्ट मोटराइज्ड स्कूटर फॉर एडल्ट्स द ऑटोपेड वाज डेवलप्ड इन 1913 एंड पेटेंटेड इन 1916 बाई इन्वेंटर आर्थर ह्यूगो सेसिल गिब्सन। ये हैं दोस्तों ब्राडशॉ। ये ब्राडशॉ हैं या आर्थर ह्यूगो सेसिल गिब्सन हैं, थोड़ा मुझे कंफ्यूज हो रहा है। तो जहाँ तक मेरे हिसाब से ब्राडशॉ हैं ये। 22वां प्रश्न, रिवॉल्वर के आविष्कारक। तो ये हैं सैमुअल कॉल्ट। 1831 में इन्होंने उसका आविष्कार किया और 1836 में पेटेंट कराया गया। ये भी डिटेल में मैंने आपको बताया, वरना कहीं आपको सिर्फ 1836 से लिखा मिलेगा या 1831, तो इसकी भी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए कि रिवॉल्वर के आविष्कारक सैमुअल कॉल्ट थे। 1831 में इन्होंने रिवॉल्वर का आविष्कार किया और 1836 में उसको पेटेंट करा लिया। नाउ इन इंग्लिश, इन्वेंटर ऑफ द रिवॉल्वर, सैमुअल कॉल्ट इन्वेंटेड इन 1831 एंड पेटेंटेड इन 1836। ये हैं दोस्तों देखने में सैमुअल कॉल्ट। और 1814 में इनका जन्म हुआ था और 1862 में इनकी मृत्यु हुई थी। बहुत छोटी आयु तक जीवित रहे ये, तो 1814 to 1862। 23वां प्रश्न, समुद्र की गहराई नापते हैं। तो किससे नापते हैं? फैदोमीटर से। समुद्र की गहराई फैदोमीटर से नापते हैं।
मीज़र द डेप्थ ऑफ द सी विद द फैदोमीटर या फादोमीटर। ये ऐसा होता है देखने में मित्रों, फादोमीटर। चौबीसवां प्रश्न, डीएनए संरचना का मॉडल दिया, तो किसने दिया? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। कब दिया? 1953 में। डीएनए संरचना का मॉडल जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में दिया। नाउ इन इंग्लिश, डीएनए मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर गिवन बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953। ये डीएनए ऐसा होता है मित्रों, रस्सी जैसा, अब ये दिख रहा है जैसे दो रस्सियाँ कोई घुमा रहा हो हाथ से। 25वां प्रश्न, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व यूरिया था। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा था? तो यूरिया था। द फर्स्ट एलिमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड इन द लेबोरेटरी इज यूरिया। ये ऐसा होता है यूरिया मित्रों, गोल गोल जैसे दाने होते हैं ये, छोटे छोटे से। 26वां प्रश्न, इसके भी मित्रों कई उत्तर हैं, ये भी मैंने बहुत रिसर्च किया है इसको और पूरी जानकारी है आपके सामने। टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, कार्य 1870, आविष्कार 1875, पेटेंट 1876। फिर से समझिए, टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं, इन्होंने सबसे पहले इस पर कार्य करना प्रारंभ किया, टेलीफोन पर रिसर्च करनी प्रारंभ करी 1870 में, उसका पूरी तरीके से इन्होंने आविष्कार कर लिया 1875 में, अर्थात 5 साल बाद इन्होंने पूरी तरीके से उसको बना लिया वर्किंग कंडीशन में कि वो कार्य कर सके, बात कर सके, और 1876 में इन्होंने टेलीफोन को पेटेंट करवा लिया। इन इंग्लिश, इन्वेंटर ऑफ द टेलीफोन इज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, वर्किंग ऑन इट इन 1870, इन्वेंटेड इन 1875 एंड पेटेंटेड इन 1876। ये मित्रों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इनका भी नाम आपको अधिकतर जो है ग्राहम बेल लिखा मिलेगा या अलेक्जेंडर बेल, ये पूरा नाम है इनका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ये देखिए इतनी वृद्ध आयु है इनकी, और उसमें भी देखिए कितने ये स्ट्रांग लग रहे हैं हट्टे कट्टे। ये कुछ कुछ ऐसे लग रहे हैं मित्रों मुझे, जैसे अपने जो अभी किसान आंदोलन हुए थे उसमें जो किसान नेता थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ मित्रों, स्मरण आ गया, वो राकेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जो किसान नेता थे, ये मुझे देखने में ऐसे लग रहे हैं कि उनका लुक जो है ऐसे कर दो तो बिल्कुल ये वो सेम लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हंसी मजाक भी ज़रूरी है बीच में, पढ़ाई बहुत सीरियस कर देती है। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। भारत द्वारा पहला उपग्रह आर्यभट्ट था जो कि 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। इन इंग्लिश, फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इन इंडिया आर्यभट्ट अप्रैल 1975। ये ऐसा था देखने में दोस्तों, ये उसका जो एक मॉडल है। अट्ठाईसवां क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज की गई थी 1928 में डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा और 1929 में प्रकाशित। अब ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ये कॉमन चीज़ है, सबको पता है। 1928 में खोज की और 1929 में उसको प्रकाशित किया, यानी कि पब्लिश्ड किया। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी है,
ये जो है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डॉक्टर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये लंदन में सेंट मैरी अस्पताल में जीवाणु शास्त्र के प्रोफेसर थे। नाउ इन इंग्लिश, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाई डॉक्टर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 एंड पब्लिश्ड इन 1929। सम अदर बेसिक डिटेल, प्रोफेसर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एट सेंट मैरीज हॉस्पिटल इन लंदन। ये हैं देखने में दोस्तों प्रोफेसर साहब एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये फोटो भी लैब में बैठ के ही खिंचवाई है इन्होंने। 29वां क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज की एडवर्ड जैनर ने 1796 में पश्चिम यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ जो भी फॉरेन कंट्रीज हैं, विदेश के जो भी देश हैं उस साइड के, तो उस पश्चिम में टीकाकरण का इनको संस्थापक माना जाता है। इन्होंने 13 साल के लड़के को वैक्सीनिया वायरस, ये वायरस का नाम है वैक्सीनिया, और इसको जो है काउ पॉक्स बोला जाता था, के साथ आवंटित किया। आवंटित अर्थात जैसे अभी कोविड में वैक्सीन लगाने के लिए जो ट्रायल हुए थे, तो उसमें बच्चों की वैक्सीन आई थी तो बच्चे चुने गए थे, बड़ों की वैक्सीन आई थी बड़े चुने गए थे, बड़ों एजेड जो हैं 70 के ऊपर उनके लिए आई थी तो उनका चुना गया था ना वो ट्रायल के लिए, तो ये वही है आवंटन। और चेचक को या चेचक की प्रतिरक्षा का प्रदर्शन किया। 1798 में पहला छोटी चेचक का टीका विकसित किया गया। इसको अच्छे से ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए, 1798 में पहला छोटी चेचक का टीका विकसित किया गया था। फिर से बताता हूँ एक बार, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने 1796 में की। पश्चिम में इनको टीकाकरण का संस्थापक माना जाता है, यानी कि पश्चिम देशों में, विदेश जो है उस तरफ। इन्होंने 13 साल का लड़का था। अब ये भी प्रश्न में आ सकता है कि जिस पे किया वो कितने साल का था, तो वो 13 साल का था, को वैक्सीनिया वायरस, जिसको इंग्लिश में काउ पॉक्स बोलेंगे, के साथ आवंटित किया, यानी कि उसको लगाया, और चेचक को या चेचक की प्रतिरक्षा का प्रदर्शन किया, यानी कि अपनी वैक्सीन का कि वो कितनी इफेक्टेड है और इस बच्चे पर, इस उम्र के बच्चे पर कैसा कार्य करती है। इसके बाद इन्होंने 1798 में पहला छोटी चेचक का टीका विकसित कर लिया था। नाउ इन इंग्लिश, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इन्वेंटेड बाई एडवर्ड जेनर हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ वैक्सीनोलॉजी इन द वेस्ट। हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ वैक्सीनोलॉजी इन द वेस्ट इन 1796। आफ्टर ही इनोकुलेटेड आर 13 ईयर ओल्ड बॉय विद वैक्सीनिया वायरस, डेट इज काउ पॉक्स, एंड डिमोन्स्ट्रेटेड इम्यूनिटी टू स्मॉल पॉक्स इन 1798। द फर्स्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज डेवलप्ड इन 1798। द फर्स्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज डेवलप्ड। ये हैं दोस्तों, ये एडवर्ड जेनर जी। देखिए 30वां प्रश्न, जीव विज्ञान के जन्मदाता, तो ये अरस्तु थे, 384 से 322 ईसा पूर्व। जीव विज्ञान के जन्मदाता अरस्तु थे, 384 से 322 ईसा पूर्व। इन इंग्लिश, द फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटले
हिंदी में अरस्तु और इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं अरिस्टोटले, 384 to 322 BC। अब मित्रों इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे पहले आपने सुना होगा ना, पहले बोलते थे ईसवी, फिर हुआ ईसा पूर्व, ऐसे इंग्लिश में जो है, ये आपने KBC का शो देखा होगा तो उसमें बच्चन साहब भी हर सीजन में एक ना एक बार ये चीज़ बोलते हैं जब ऐसा प्रश्न आता है, कि पहले BC बोलते थे, शायद इसकी फुल फॉर्म है बिफोर क्राइसिस, और अब जो है इसको बोलते हैं BCE, बिफोर कॉमन इरा, पहले शायद बिफोर क्राइसिस और अब बिफोर कॉमन इरा। ये हैं दोस्तों अरस्तु, ऐसे दिखते थे। 31वां क्वेश्चन, डायनामाइट के आविष्कारक, तो ये अल्फ्रेड नोबल थे। ये भी दोस्तों डिटेल में ये सब आपको पता होना चाहिए, आविष्कार जो है डायनामाइट का वो 1866 में हुआ, पेटेंट करवाया इन्होंने 1867 में, और जब इनकी मृत्यु हुई 1896 में, तो उस समय दुनिया भर में यानी कि पूरी दुनिया में 355 पेटेंट हासिल किए थे। मतलब इन्होंने, बहुत बड़ी बात है ये, एक प्रोडक्ट पे 355 पेटेंट यानी कि कॉपीराइट। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल थे, 1866 में इन्होंने आविष्कार किया डायनामाइट का, 1867 में उसका पेटेंट करवा लिया, और जब इनकी मृत्यु हुई 1896 में, उस समय पूरी दुनिया में यानी कि पूरे विश्व में 355 पेटेंट हासिल किए थे। नाउ इन इंग्लिश, इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल, इन्वेंशन इज 1866, पेटेंटेड इन 1867 एंड पेटेंटेड इन 1867, हैड एक्वायर्ड 355 पेटेंट्स वर्ल्ड वाइड वेन ही डाइड इन 1896। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद कीजिएगा, हैड एक्वायर्ड 355 पेटेंट्स वर्ल्ड वाइड वेन ही डाइड इन 1896। ये हैं दोस्तों अल्फ्रेड नोबल, लैब में लगे हुए हैं डायनामाइट बनाने में। 32वां क्वेश्चन, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन था? तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, 20 जुलाई 1969, 1969 में उतरे थे, और रात का समय था 8 बजे। अब ये भी दोस्तों मतलब बहुत बड़ी जानकारी, ये भी मालूम होना चाहिए कि कोई पूछ ले आपसे, या KBC में क्वेश्चन आ जाए, या कोई भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें पूरा मतलब उत्तर सहित आ जाए कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे थे चंद्रमा पर 20 जुलाई 1969 को उतरे थे, कितने बजे उतरे थे समय बताओ। तो कोई भी होगा तो ये कहेगा अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, पर मजाक नहीं है, ज्ञान जो है वो पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण ज्ञान जो होता है मित्रों हानिकारक होता है, ज्ञान नहीं हो चलेगा, पर अधूरी जानकारी अर्थात अपूर्ण ज्ञान जो है वो हानिकारक होता है, सही नहीं होता, ज्ञान हो तो पूर्ण हो, उत्तम ज्ञान हो। बच्चन सर भी बोलते हैं कि ज्ञान सब जगह से लो, जहाँ से मिले बटोर लो, पर पहले खुद को टटोल लो, उस ज्ञान को टटोल लो कि वो उत्तर सही है या नहीं है, है ना, वरना उसे हानि होती है, और दोनों जो कंटेस्टेंट हैं दोनों प्रोमो में वो दोनों हार जाते हैं। तो आप ना हारें, सफल हों, इन प्रश्नों से तैयारी करके जहाँ भी आप जाएं तो आपको सफलता मिले, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से और पूरी जानकारी देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो चंद्रमा पर उतरने वाले पहले आदमी यानी पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ये 20 जुलाई 1969 में रात को 8 बजे उतरे थे। नाउ इन इंग्लिश,
द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून नील आर्मस्ट्रांग July 20, 1969 एट नाइट 8 PM। ये हैं दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग, ये पीछे आपको चंद्रमा दिख रहा होगा। तैतीसवां क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी, वो थे चंद्रमा पर उतरने वाले, ये है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी कौन था, तो ये थे यूरी एलेक्सीयेविच गगारिन। ये इनका पूरा नाम है, आपको अधिकतर जो है यूरी गगारिन मिलेगा, इनका पूरा नाम है यूरी एलेक्सीयेविच गगारिन। इनके बारे में थोड़ी और जानकारी मैंने रिसर्च करके निकाली है। ये जो हैं यूरी गगारिन जी, ये सोवियत पायलट थे, जिस कैप्सूल में इन्होंने यात्रा की उसका नाम वोस्तोक 1 था या है। ये यात्रा इन्होंने 12 अप्रैल 1961 को की। पृथ्वी की पूरी एक कक्षा यानी कि पूरा एक चक्कर इन्होंने पूरा किया वोस्तोक 1 कैप्सूल में 12 अप्रैल 1961 को। एक बार फिर से, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था यूरी एलेक्सीयेविच गगारिन, ये सोवियत पायलट थे, जिस कैप्सूल में इन्होंने 12 अप्रैल 1961 को पृथ्वी की एक कक्षा पूरी की यानी कि एक चक्कर पूरा लगाया, वो वोस्तोक 1 कैप्सूल में लगाया था, मतलब जो जिसमें बैठ के जो यान था उसका नाम है वोस्तोक 1, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तारीख भी कई बार प्रश्न आ जाता है कि जिस यान में किया उस यान का क्या नाम था, है ना, तो ये तो जानकारी एक आम है कि कौन थे कब उतरे थे, पर ये भी बड़े प्रश्नों में आ जाता है कि उस यान का क्या नाम था, है ना, तो ये था वोस्तोक 1। नाउ इन इंग्लिश, द फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस यूरी एलेक्सीयेविच गगारिन, ही इज अ सोवियत पायलट ट्रैवलिंग इन द वोस्टोक 1 कैप्सूल, कंप्लीटेड 1 ऑर्बिट ऑफ अर्थ ऑन अप्रैल 12, 1961। Traveling in the Vostok 1 capsule and completed 1 orbit of Earth on April 12, 1961। ये हैं दोस्तों यूरी गगारिन, देख लीजिए। 34वां प्रश्न, सबसे बड़ी या भारी हड्डी कौन सी है, फीमर जांग की, सबसे बड़ी या सबसे भारी हड्डी फीमर होती है जो जांग में पाई जाती है। इन इंग्लिश, लार्जेस्ट और हैवीएस्ट बोन द फीमर फाउंड इन थाई। ये इमेज है, ये जो आपको पिंक कलर में दिख रही है ऊपर थाइस पे, ये होती है, दोनों थाइज में है ये वाली छोटी हड्डी की बात करेंगे आप, ये बड़ी की थी, ये छोटी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है कान की। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ये कान में पाई जाती है और इसका नाम स्टेपीज है। इन इंग्लिश, स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज ऑफ द ईयर। ये जो है एक, इसमें और थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, स्मॉलेस्ट बोन इज स्टेपीज ऑफ द ईयर, देयर आर 3 बोन्स इन द मिडिल ईयर, मतलब मिडिल ईयर में कान के मध्य में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, इनका नाम है मेलियस स्टेपीज एंड इनकस, मेलियस
स्टेपीज एंड इनकस, ये भी आपको पता होना चाहिए कि तीन हड्डियाँ होती हैं, कान ही इतना छोटा होता है, उसमें सबसे छोटी हड्डी, उसमें क्वेश्चन आ जाए कि टोटल कितनी होती हैं, तो वो तीन होती हैं, उनका नाम है ये मेलियस, स्टेपीज एंड इनकस। सबसे छोटी जो होती है वो स्टेपीज होती है। द स्टेपीज इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री बोन्स, तीनों हड्डियों में सबसे छोटी, और द स्मॉलेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी, पूरे शरीर में भी, मानव शरीर में भी सबसे छोटी होती है, और द साइज ऑफ द स्टेपीज इज़ 3 mm यानी कि मिलीमीटर इंटू 2.5 mm, ये इसका साइज है। एक बार फिर से, स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज ऑफ द ईयर, देयर आर 3 bones इन द मिडिल ईयर, डेटार्स मेलियस स्टेपीज एंड इनकस। द स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 bones एंड द स्मॉलेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। द साइज ऑफ द स्टेपीज इज 3 mm इंटू 2.5 mm। ये इसकी पिक्चर है, जूम करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये देखिए कान है लेफ्ट हैंड पर, ये चौकोर ब्रैकेट में जो है ये है, ये देखिए सबसे ऊपर कान के अंदर ये जो चौकोर ब्रैकेट में था उसकी ये बड़ी करके फ़ोटो है। सबसे लेफ्ट में आपको ऊपर देखेगी मेलियस, उसके बाद है इनकस, और उसके आगे ये दिख रही है आपको स्टेपीज, सबसे लास्ट में राइट हैंड पे मिडिल में। और ये इसका जो है ओवल या विंडो, या आपको एक रिंग जैसी लग रही होगी, या जो एक चेस्ट एक्सपेंडर आता है एक्सरसाइज के लिए, चेस्ट उसमें हाथ पकड़ के जो खींचते हैं कुछ को, वैसी शेप है इसकी। और ये लेफ्ट में नीचे जो है ईयर ड्रम है, कान का इसको पर्दा जो बोलते हैं। तो ये है मेलियस, इनकस, और ये है सबसे लास्ट में स्टेपीज। छत्तीसवां क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प, तो ये होता है रेफलेसिया नॉर्डी। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया नॉर्डी होता है। इसके बारे में और डिटेल में जानकारी, अब जैसे आपको ये तो पता होगा कि रेफलेसिया नॉर्डी संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है, आप कोई पूछे ये कहाँ पाया जाता है तो उसकी जानकारी भी होनी चाहिए आपको, इसका साइज भी पता होना चाहिए। तो ये सुमात्रा और बोर्नियो के वर्षा वनों में पाया जाता है। यह लगभग 1 meter यानी कि 3.3 feet, लगभग 3.25 feet के व्यास तक बढ़ता है, और इसका वजन 11 किलोग्राम यानी कि 24 पाउंड तक होता है। 11 किलो का फूल मित्रों, सोचिए कैसे उठाएगा इंसान। एक बार फिर से, यह सुमात्रा और बोर्नियो के वर्षा वनों में पाया जाता है। यह लगभग 1 meter यानी कि 3.25 feet के व्यास तक बढ़ता है, और इसका वजन 11 किलोग्राम 22 पाउंड तक होता है। नाउ इन इंग्लिश, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर इज रेफलेसिया, रेफलेसिया अर्नोल्डी। इसको जो है, अब ये आपके पास जो है ये भी जानकारी होनी चाहिए, कहीं ये आपको लिखा हुआ मिल जाए कि द कॉर्प्स फ्लावर और जियांट या जायंट पद्म। अब पुष्प को जो है हिंदी में, संस्कृत में जो है पद्म बोलते हैं, हिंदी में पद्म, हिंदी में पुष्प और संस्कृत में पद्म, तो वही पद्म है ये। तो ये इसकी जो है स्पेसीज होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहीं अगर ये लिखा हुआ आ जाए और आपको याद हो कि रेफलेसिया नॉर्डी, तो ये भी आप याद कर लीजिए कि द कॉर्प्स फ्लावर और जियांट या जायंट पद्म, ये भी इसकी स्पीसीज हैं, ये भी रेफलेसिया अर्नोल्डी ही मानी जाएंगी सबसे बड़े पुष्प की। अगर रेफलेसिया अर्नोल्डी नहीं है, उसकी स्पीसीज हैं, तो ये भी इसकी ही कह
कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। इट इज़ नेटिव टू द रेन फॉरेस्ट ऑफ सुमात्रा एंड बोर्नियो। इट ग्रोस टू अ डायमीटर ऑफ अराउंड 1 मीटर, डेट इज 3.3 फीट, एंड वेइंग अप टू 11 किलोग्राम्स, 24 LV। इट ग्रोस टू अ डायमीटर ऑफ अराउंड 1 मीटर 3.3 फीट एंड वेइंग अप टू 11 किलोग्राम्स, 24 LV। ये इसकी इमेज है। अब आप देखिए कितना बड़ा होता है। ये इतने बड़े इसके साथ बैठे हुए हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और ये देखिए आप कितना बड़ा है कि अगर इन्होंने उठाया तो पूरा इनका शरीर का आधा हिस्सा ढक जाएगा। 11 किलो का पुष्प मित्रों। ये तो किसी को गिफ्ट भी नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन, विटामिन में कोबाल्ट होता है। B12, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? B12 में कोबाल्ट होता है। इन इंग्लिश विच विटामिन कंटेंस कोबाल्ट, तो इट्स इन B12। कोबाल्ट को जो है CO भी लिखते हैं। और ये शायद 27 पोजीशन पे आता है, या मतलब जो इसको किया जाता है डिस्क्राइब, वो 27 नंबर से। ये कोबाल्ट ऐसा होता है मित्रों, ये ऐसा लग रहा होगा जैसे ठंडों में आपने गजक खाई होगी, तो गजक रखी है बहुत सारी। 38वां क्वेश्चन, एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो ये B12 से, एनीमिया विटामिन B12 से ठीक हो जाता है। विच विटामिन क्योर्स एनीमिया, तो इट्स B12, विटामिन B12। 39वां प्रश्न, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए से, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। इन इंग्लिश नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो इट्स विटामिन ए। 40वां प्रश्न, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। इन इंग्लिश विच डिजीज इज कॉज्ड बाई द डेफिशेंसी ऑफ विटामिन B1, तो इट्स बेरी। 41 क्वेश्चन, इस टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आँत होती हैं। टाइफाइड से शरीर का जो आँत अंग होती हैं, आते होती हैं, वो प्रभावित होती हैं, उन पर असर पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। इन इंग्लिश विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाई टाइफाइड, तो इट्स द इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन मित्रों जो लेफ्ट में है पिंक कलर से, और उसके अंदर स्किन कलर से है, तो ये पिंक वाली जो है अलग अलग दिखाई गई है, तो ये पिंक वाली जो है ये बड़ी आँत होती है, और उसके अंदर बीच में छोटी आँत होती है। और एक इंटरेस्टिंग बात, मज़े की बात यह है कि बड़ी आँत नाम की बड़ी होती है पर साइज़ में छोटी होती है, और छोटी आँत नाम की छोटी है पर ये बड़ी होती है। मतलब लंबाई अगर नापें तो छोटी आँत लंबी होती है, पता नहीं कहते हैं शायद इसको अगर खोल के लंबी कर दो तो ये 3-3.5 किलोमीटर की होती है। अब किलोमीटर होती है मीटर होती है मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो खैर ये पिंक वाली जो है बड़ी आँत है, उसके बीच में छोटी आँत है। किलोमीटर तो नहीं मित्रों, मीटर ही होता होगा। 42वां प्रश्न, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पाश्चर और एमिल रॉक्स ने की 1885 में। रेबीज के टीके की खोज 1885 में लुई पाश्चर और एमिल रॉक्स ने की। इन इंग्लिश नाउ Who discovered the rabies vaccine? तो
लुइस पाश्चर एंड एमिल रॉक्स इन 1885। ये हैं मित्रों दोनों, लुई पाश्चर और एमिल रॉक्स। एक फ़ोटो खिंचवा रहे हैं जेब में हाथ डाल के मज़े से, और दूसरे उनको देख रहे हैं। ये नहीं फ़ोटो खिंचवा लें पहले, देख तो बाद में भी सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न, हैज़ा व टीवी के जीवाणुओं की खोज की तो रॉबर्ट कोच ने की 1882 में। हैज़ा और टीवी के जीवाणुओं की खोज किसने की, रॉबर्ट कोच ने की, कब की, 1882 में की। नाउ इन इंग्लिश, डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया ऑफ कॉलरा एंड टीवी, रॉबर्ट कोच इन 1882। यह है मित्रों रॉबर्ट कोच। चौवालीसवां प्रश्न, रक्त में पाया जाता है क्या, पाया जाता है लौह तत्व, रक्त में लौह तत्व पाया जाता है। फाउंड इन ब्लड आयरन एलिमेंट, जिसको हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। ये इसकी इमेज है मित्रों, जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ब्लड वेसल है लेफ्ट में, और ये वेसल की वॉल है सबसे जो ऊपरी होती है या भारी, उसको ट्यूनिका एडवेंटिटिया बोलते हैं। दूसरी जो होती है उसके अंदर, उसको ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं। और तीसरी जो उसके अंदर की है, सबसे अंदर की होती है, उसको ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं। और ये जो आपको पर्पल कलर में दिख रही है, ये वाइट ब्लड सेल होती है, यानी कि श्वेत रक्त कोशिका। और जो ये गोल गोल लाल सी दिख रही हैं टॉफी जैसी, ये रेड ब्लड सेल्स होती हैं, यानी कि लाल रक्त कोशिका। वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। और आपने सुना होगा डेंगू हो जाता है तो कहते हैं प्लेटलेट्स घट जाते हैं। प्लेटलेट क्या होता है, वो ये होते हैं जो आपको ये दिख रहे हैं ना, शेप इनकी ऐसी लग रही है जैसे कोरोना वायरस जैसी। ये सबसे नीचे हैं जो ये लिखा हुआ है प्लेटलेट, सिल्वर कलर के जो हैं, तो ये प्लेटलेट ऐसे होते हैं और ये सब इसके अंदर होते हैं। ये देखिए लाल वाले कुछ कुछ ऐसे देखने में लग रहे हैं टॉफ़ी जैसे, और ये बड़ा वाला ऐसे लग रहा है जैसे बाथ टब हो, गर्मी में इसमें पानी भर के नहा लो। तो ये ऐसी होती है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न, एक्सरे एक्स किरणें हैं विद्युत चुंबकीय किरणें, एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं। नाउ इन इंग्लिश, एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। ये इसकी इमेज है, बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये इसकी जो है फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसमें भी होती है। ये देखिए आप, माइक्रोवेव में भी होती है, टीवी रेडियो में भी होती है, यहाँ तक कि जो ठंडों में हीटर प्रयोग करते हैं उसमें भी होती है। रेडिएशन तभी तो कहते हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में होता है, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आइटम्स होते हैं उसमें। इसलिए इनसे जो है दूरी बना के रखनी चाहिए, बहुत मतलब आवश्यक हो तभी जो है इनका उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। लाइट में जो है इसकी ऐसी हो जाती है फ्रिक्वेंसी, और अल्ट्रावायलेट जो सनग्लासेस होते हैं, और एक्सरेज जिसकी बात हो रही है, तो जिससे एक्सरे लिया जाता है उसमें इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। और ये गामा रेज में होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी और बढ़ ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है तो उसमें गामा रेज दी जाती हैं। अगला प्रश्न, पानी में हवा का बुलबुला होता है तो कैसा होता है, अवतल लेंस जैसा। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस जैसा होता है। नाउ इन इंग्लिश, एयर बबल्स इन वाटर लुक लाइक कॉनकेव लेंस।
ये इमेज है राइट हैंड पे कॉनकेव और लेफ्ट पर कॉनवेक्स। आपने दो नाम सुने होंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो कॉनकेव जो है वो अवतल कहलाता है और उसकी ये शेप होती है डमरू जैसा, और कॉनवेक्स जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है, ये आँख जैसा लग रहा है। 47वां प्रश्न, विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार होगा, कैसा होगा? न्यूनतम। अब आपको इसमें ये भी जानकारी होनी चाहिए मित्रों कि अधिकतम कहाँ होगा, तो वो ध्रुवों पर होगा। तो विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इन इंग्लिश, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इक्वेटर विल बी मिनिमम एंड मैक्सिमम एट द पोल्स। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इक्वेटर विल बी मिनिमम एंड एट द पोल्स इज मैक्सिमम। ये मित्रों बीच में जो इक्वेटर है और नीचे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उसके नीचे जो है अंटार्कटिक सर्कल है, अगला प्रश्न, सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का कारण। आपने देखा होगा प्रातः में अर्ली मॉर्निंग सूर्य नहीं दिखते और उनका प्रकाश दिखने लगता है, तो वो इस कारण से दिखता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अपवर्तन। इन इंग्लिश, द रीज़न फॉर द अपीयरेंस ऑफ द सन बिफोर सनराइज इज रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ये इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ऊपर लाइट है और इंसिडेंट रे, और जब ये पड़ती है बाउंड्री पर, ऊपर सब्सटेंस वन नीचे टू, 90 डिग्री के एंगल है, तो ये नीचे जब जाती है रिफ्रैक्ट होके तो ये ऐसा एंगल बन जाता है। दूसरे में से समझेंगे, जब आप पानी में आधे भरे हुए में ऐसा पेंसिल या पेन डालते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे नीचे से मुड़ गई या टूट गई या टेढ़ी हो गई, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो करके देखिएगा। तो ये जो होता है ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है, तो इसलिए ही सूर्य दिखने से पहले उनका प्रकाश दिखने लगता है, तो इसको ही बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। 49वां प्रश्न, इंद्रधनुष बनने का कारण, तो ये है अपवर्तन। कॉज ऑफ रेनबो फॉर्मेशन, तो रिफ्रैक्शन, ये भी रिफ्रैक्शन है, प्रकाश के अपवर्तन से ही इंद्रधनुष भी दिखता है। कभी कभी ये दिखता है दोस्तों, कितना अच्छा लगता है ना शाम के समय या जब बारिश होती है तब दिखता है, तो देख के कितना मन अच्छा सा हो जाता है, सुकून सा मिलता है, इस इमेज को देख के भी कितना अच्छा लग रहा है। 50वां प्रश्न, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ जाती है। अगर ताप बढ़ाएं तो ध्वनि की जो चाल होती है, गति होती है, वो बढ़ जाती है। नाउ इन इंग्लिश, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो इट इंक्रीजेस। ये इमेज है, इसे समझिए, ये बेल है राइट हैंड कॉर्नर पर लोअर में, अब जैसे ये बज रही है तो ये जो है ध्वनि की तरंगे हैं, साउंड वेव्स जिनको बोलते हैं, तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके बाद जो ये ध्वनि की गति है, चाल है, ये जो है बढ़ जाएगी, साउंड वेव्स जो हैं ये इंक्रीज हो जाएगी। 51 क्वेश्चन, यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो कैसा दिखाई देगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी पूछ सकता है। तो ये काला दिखाई देता है, यदि हम चंद्रमा पर से आकाश को देखते हैं तो ये काला दिखाई देता है। इन इंग्लिश, इफ़ वी लुक एट द स्काई फ्रॉम द मून व्हाट विल इट लुक लाइक, तो इट लुक लाइक ब्लैक। ये इमेज है मित्रों,
ये जो वाइट वाइट नीचे दिख रहा है ये चंद्रमा है, ये अपनी पृथ्वी दिख रही है नीली, और ये सब ब्लैक ब्लैक। 52वां प्रश्न, यूरिया को शरीर से अलग करते हैं कौन? करते हैं गुर्दे। गुर्दे हमारे शरीर में यूरिया को अलग करते हैं। रिमूव्स यूरिया फ्रॉम द बॉडी द किडनीज, ये इमेज है मित्रों किडनी की, रेड कलर में दो जो आपको ये दिख रही हैं लेफ्ट राइट में, ये राजमे जैसी लगती है, जैसे वो आता है ना शर्मीली राजमा डार्क ब्राउन कलर का, तो वैसे ही होती हैं ये। और किडनी, इनकी अच्छी हेल्थ के लिए राजमा बहुत अच्छा होता है, इसलिए उसकी शेप भी ऐसी है। तो किडनी के लिए राजमा बहुत अच्छा होता है, तो अवश्य खाया करिए हफ्ते में कम से कम एक बार। 53वां क्वेश्चन, मानव त्वचा का रंग बनता है तो कैसे बनता है? वर्णक मेलेनिन के कारण। मानव त्वचा का रंग वर्णक मेलेनिन, मतलब मेलेनिन नाम का एक वर्णक होता है, उसके कारण होता है। अब इसके बारे में बताता हूँ, जैसे कोई बहुत सुंदर होता है तो उसके शरीर में मेलेनिन कम होता है, तो मेलेनिन कम होगा तो वो सुंदर होगा, मेलेनिन थोड़ा उससे और ज़्यादा होगा तो इंसान का रंग और जो है डार्क होता जाएगा, और जितना ज़्यादा मेलेनिन बॉडी में होता है उतना इंसान डार्क होता है। जैसे बहुत से बहुत ब्लैकिश होते हैं जैसे साउथ अफ्रीका साइड में, तो उनके शरीर में मेलेनिन ज़्यादा होता है, तो जितना कम मेलेनिन उतना गोरा, जितना ज़्यादा मेलेनिन, जितना अधिक मेलेनिन उतना सुंदर, मतलब उतना काला सांवला, और जितना कम उतना सुंदर, तो ये होता है मेलेनिन। नाउ इन इंग्लिश, द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन इज फॉर्म्ड ड्यू टू पिगमेंट मेलानिन। ये इमेज देखिए, ये स्किन की लेयर्स होती हैं, लेफ्ट साइड में सबसे नीचे देखिए जो सबसे लोअर की होती है या डर्मिस, उसके ऊपर जो ये पिंक से दिख रही है ये एपिडर्मिस, उसके अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं राउंड राउंड से, तो ये होती है मेलानिन। मेलानिन के जो पिगमेंट मेलानिन है ना, वर्णक मेलानिन, वो है ये। और उसके नीचे आपको ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा होगा एक लाइन सी पे, दो ब्राउन कलर के ये दिख रहे हैं ऑक्टोपस जैसे, तो ये मेलेनोसाइट होते हैं। तो और ये सबसे ऊपर की स्किन होती है जो आपको स्किन कलर की दिख रही है, तो ये मेलेनिन ये जो छोटे से है ना राउंड राउंड, इसमें अंदर वो छोटे ब्राउन से कलर के हैं, ये होता है मेलेनिन। 54वां क्वेश्चन, कच्चे फलों को पकाने में काम आता है कैल्शियम कार्बाइड। कच्चे फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड काम आता है, इसमें आपको अधिकतर जगह जो मित्रों उत्तर मिलेगा, ये भी बहुत मैंने इसमें डिटेल में मतलब जो भी क्वेश्चन है ना जिसके भी मैंने आपको, अब तो वीडियो पूरी होने वाली है तो बता देता हूँ, जैसे जिस भी प्रश्न में मैंने आपको कई उत्तर दिए हैं या डिटेल में दिए हैं, तो उसके लिए मैंने हर क्वेश्चन के, बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनके उत्तर मुझे बहुत शीघ्र मिल गए, अधिकतर जो क्वेश्चन थे हर, मैंने वैसे क्वेश्चन को 4 से 5 बार सर्च किया है, जब मुझे 4 से 5 बार उसका सेम उत्तर मिला तो वही उत्तर मैंने जो है आपको बताया है, और जिसके मुझे ज़्यादा उत्तर मिले या कई जगह गलत उत्तर मिले उस पर मैंने और रिसर्च करी और डिटेल में गूगल किया, विकिपीडिया किया, एनक्लोसाइट, वो क्या बोलते हैं उसको, एनसाइक्लोपीडिया, वो किया काफ़ी, मतलब रिसर्च करके तब मैंने आपको ये वीडियो दिया और डिटेल में बनाया, इसलिए बड़ा भी हो गया है। 55 प्रश्न आपको एक वीडियो में देने का दिए हैं मैंने, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अर्थात भौतिक रसायन जीव विज्ञान तीनों के प्रश्न हैं, तो इसलिए दोस्तों मुझे इस एक वीडियो बनाने में ही 4 से 5 दिन लगे, कुछ कुछ घंटे रोज़ दिए हैं, और कुछ प्रश्न तो ऐसे थे जिसपे एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने में ही मुझे काफ़ी मिनट या कई घंटे लग गए। तो वो जो मैंने आपसे बात शुरू में करी थी ना वीडियो के, वो यही बात थी। अब आप शायद समझ गए होंगे कि
ये वीडियो लाने में मुझे समय क्यों लगा और कितना परिश्रम किया। इतनी डिटेल में आपको तभी मैं जानकारी दे पाया हूँ। तो इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड काम आता है। इसमें मित्रों आपको जो अधिकतर जगह उत्तर मिलेगा वहाँ पर आपको ये लिखा दिखाई देगा, एसिटिलीन गैस के फलों को पकाने में एसिटिलीन गैस काम आता है। तो काम एसिटिलीन गैस नहीं आता है, उसका मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ। कैल्शियम कार्बाइड लगाया जाता है, वो कैल्शियम कार्बाइड जब नमी में आता है, जो हमारा वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, इसमें नमी होती है, तो जब वो कैल्शियम कार्बाइड उस नमी के संपर्क में आता है या कॉन्टैक्ट में आता है तो ये एसिटिलीन गैस पैदा करता है, उस एसिटिलीन गैस से फल पकते हैं। समझ गए ना आप कि जब फलों पर कैल्शियम कार्बाइड लगाते हैं वो कैल्शियम कार्बाइड वातावरण में उपस्थित नमी के संपर्क में आता है, उससे एसिटिलीन गैस बनती है, वो गैस फलों को पकाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो कैल्शियम कार्बाइड होता है, एसिटिलीन गैस नहीं होती। कैल्शियम कार्बाइड अगर फलों पे नहीं लगाएंगे तो एसिटिलीन गैस बनेगी ही नहीं। तो कैल्शियम कार्बाइड इज़ मेन फैक्टर। यूज्ड टू रिपन रॉ फ्रूट्स कैल्शियम कार्बाइड। व्हेन कैल्शियम कार्बाइड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर इट प्रोड्यूस एसिटिलीन गैस। ये है मित्रों कैल्शियम कार्बाइड, ऐसा होता है देखने में, ये ऐसा लग रहा है जैसे बचपन में हम चौक यूज़ करते थे तो वही हो ऐसी फॉर्म में। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, पूरी वीडियो एक बार में बनाई है ये मैंने, बनाने में मतलब क्वेश्चन में लग गए 4 से 5 दिन और पूरी मतलब जो मैंने इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक बार में किया है रिकॉर्ड मैंने इसको। बीच में कुछ टेक्निकल उससे हो गया था पर मतलब एक ही बार में लगातार वीडियो बनाई है ये मैंने, रिकॉर्ड करने में समय नहीं लगा, ये मैंने एक ही उसमें करी और काफ़ी समय हो गया, जितना मतलब आपको वीडियो देखने में हो गया उससे थोड़ा ज़्यादा ही मानिएगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प मैंने आपको पूर्व में बता दिया था, पहले बता दिया था। सबसे छोटा पुष्प जो होता है वो होता है वाटर मील या वुल्फिया ग्लोबोसा, इसके भी आपको अलग अलग उत्तर मिल सकते हैं, तो मैंने आपको दोनों ही बता दिए। संसार का सबसे छोटा पुष्प वाटर मील या वुल्फिया ग्लोबोसा होता है, ये दोनों नाम आप याद कर लेना। और इसका साइज़ जो होता है वो 0.1 से 0.2 मिलीमीटर होता है, 0.1 से 0.2 मिलीमीटर। नाउ इन इंग्लिश, लिटिल फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड इज वाटर मील और वुल्फिया ग्लोबोसा, साइज़ 0.1 to 0.2 mm, यानी कि इसके बीच में इसका साइज होता है, mm मीन्स मिलीमीटर। ये है दोस्तों संसार का सबसे छोटा पुष्प, देख लीजिए। अब वैज्ञानिक इसको पुष्प बोलते हैं, हमारे हाथ में कोई दे देगा तो हम इसको पुष्प बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि हम तो पुष्प और ही कुछ देखते हैं, हम तो हमेशा यही सीखा है कि पुष्प जो होता है वो ऐसा होता है ना, तो हम तो इसको पुष्प बोलेंगे नहीं, तो ऐसा लग रहा है कुछ खाने की नई चीज़ हो, है ना। पर ये जो है फूल होता है और ये इसका जो है शेप होता है। अब सोचिए कितना छोटा है, वो एक उंगली पे इतने सारे फूल आ गए। ये दोस्तों समाप्त, द एंड। इतने प्रश्न थे, 55 पूरे हो गए, मैंने 55 कहा था शुरू में आपसे, 55 पूरे हो गए। और पुनः कहूँगा मित्रों, बहुत परिश्रम से वीडियो बनाई, अगर आपको लगता है कि हाँ सच में मैंने परिश्रम किया है तो इस परिश्रम के लिए, मेरी मेहनत के लिए कृपया करके एक लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं, वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन में सबसे ऊपर वाले ऑप्शन, ऑल वाले ऑप्शन को चुन लीजिए, जिससे आपको चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो मिलते रहें। मैंने कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी के लिए मई जून के जो भी करंट ट्रेडिंग वर्ल्ड अफेयर्स थे उन पर वीडियो बनाए हैं, वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं। और KBCE की बुकलेट जो दी जाती है ग्राउंड ऑडिशन में, वो कैसी होती है उस पर एक बुकलेट है। और
एक केबीसी फेक कॉल जो आती है या फेक मैसेज आता है वो कैसे, उस पर है। बाकी और भी कुछ अलग टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाए हैं, वो जाके चेक कर लीजिएगा। और वीडियो को अपने अपनों के साथ शेयर करिए जिससे उनको भी जानकारी मिल सके। प्रयत्न करूँगा, शीघ्र ही, इतना देर नहीं लगाऊंगा, शीघ्र ही आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आऊँगा जनरल नॉलेज की। मैंने पिछली वीडियो में ही वादा किया था कि अगली वीडियो जो जनरल नॉलेज की लेके आऊँगा और जिससे आपको बहुत लाभ होगा, इसलिए मैं एक वीडियो बड़ी लेके आया हूँ। छोटी छोटी लाना मुझे अभी सही नहीं लगा, मैंने कहा इतने समय बाद ला रहा हूँ तो अच्छी सी वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए मैंने इसको काफ़ी समय दिया। पर प्रयत्न करूँगा कि शीघ्र ही आपके लिए एक और अच्छी सी वीडियो लाऊँ, तो उसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। कृपया करके चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और पुनः जो भी नए चैनल पर सब्सक्राइबर हैं, पुनः उनका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत। और जो है कृपया करके अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते मित्रों।